Hello everyone. In this video lecture of digital system design or digital electronics, I am going to discuss circuit of TTL NOR gate using totem pole. TTL NAND gate for two input and for three inputs are already uploaded. You can check. I will provide the link in description box. In this video, I will discuss TTL NOR gate with two input. This is same as TTL NAND gate. There is little bit change in input side. If you remember, in case of TTL NAND gate हम ओनली वन ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे एंड इनपुट्स अगर इंक्रीज होते थे तो हम उसके एमिटर्स को इंक्रीज करते थे नंबर ऑफ एमिटर्स हमारे वन टू थ्री फोर डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स होते थे बट इन केस ऑफ टी टी एल नॉर्गेट हम एमिटर को नहीं बल्कि पूरे ट्रांजिस्टर को ही इंक्रीज करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है टू इनपुट्स तो हमने यूज किए टू ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर एट इनपुट साइड एंड दिस ट्रांजिस्टर आर एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर मीन्स के two transistor, two transistor NPN transistor. NPN transistor कि अगर हम इसको डायोड का इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो इट्स डायोड इक्विवेलेंट विल बी दिस इज इट्स डायोड इक्विवेलेंट, दिस इज बेस एमीटर एंड कलेक्टर एन पी एन एन पी एन ट्रांजिस्टर वी ऑल नो की फॉर एनपीएन हम यहां जीरो देंगे तो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइ स्टाउ अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ ट्रांजिस्टर की इट्स अप क्या नंबरिंग करना चाहते हो तो इसको मैंने नाम दिया क्यू वन क्यू टू ठीक है देन क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव दिस इज डायोड टू डायोर्ड वन एंड ये है हमारा क्यू सिक्स आउटपुट हम कहा से लेते हैं दिस इज दउट मीन आउटपुट ऑफ द सर्किट क्लियर नाउ अब हम रजिस्टेंस के भी नाम दे देते हैं यह हमारा बेस से कनेक्टेड है तो वी कैन सेल्सो कनेक्टेड विद बी टू यू कैन गिव आर वन आर टू आर थ्री इट्स अपर से कनेक्टेड है बिकॉज बोथ कलेक्टर्स आर कॉमन तो ये हमारा सपोज हो गया आर सी वन दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ कलेक्टर ऑफ दिस टोटमपोल

एंड बी ठीक है इन In इनपुट्स के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्रांजिस्टर तो हमारे ट्रांजिस्टर्स क्या हैं Q1, वन देन क्यू टू देन क्यू थ्री देन क्यू फोर क्यू फाइव डी वन एंड क्यू सिक्स एंड फाइनल दिस इज आउटपुट ठीक है क्लियर है नाउ स्टार्ट करते हैं अगर हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होंगे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ठीक नाउ वन बाई वन इसकी वर्किंग शुरू करते हैं ठीक दिस इज एन पी एन ट्रांजिस्टर इसका डायोड इक्विवेलेंट ये होगा एन पी एन एन केस में क्या है अगर हम यहां जीरो देंगे यहां वन देंगे तो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड वाइज अगर हमने यहां हाई अप्लाई किया और यहां लो अप्लाई किया तो दिस डायोड विल बी रिवर्स वाइज क्लियर ये आपने याद रखना है तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि हमने ए की वैल्यू को भी जीरो पुट किया बी की वैल्यू को भी जीरो पुट किया ठीक है? कि यहां पर जीरो अप्लाई हुआ, ठीक? अगर ये हमारा, तो हमारा क्या होगा यहां पर हमारा, यह हमारा क्या होगा रिवर्स वायस मीन्स की क्यून हमारा क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा ठीक है सेम वे यहां पर भी जीरो मीन्स कि दिस इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड वायरस तो क्यू टू विल बी ऑल्सो ऑन ठीक नाउ ये बोथ ट्रांजिस्टर ऑन हो गए अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी करंट की डायरेक्शन यहां से इस साइड और सेम वे यहां से इस साइड होगी ठीक एट दिस पॉइंट हमें जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी वी पी वन इज इक्वल टू पॉइंट सेवन प्लस इसके क्रॉस जो हमने इनपुट अप्लाई की इनपुट क्या थी जीरो मीन्स प्लस पॉइंट टू जीरो मीन्स की जीरो मीन्स पॉइंट टू वोल्ट क्लियर है तो, तो, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी बीपी की nine, ठीक है नाउ अब ये जो पॉइंट नाइन यहां पर भी है और यहां पर भी क्या होगी पॉइंट नाइन ठीक नाओ अब हमें फाइनली ऑन कैसे करना है क्यू सिक्स को अगर हमें क्यू सिक्स को ऑन करना है बाय यूजिंग दिस वोल्टेज तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज पॉइंट सिक्स एट दिस पॉइंट इज पॉइंट सिक्स ठीक है पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स क्या हुआ वन पॉइंट टू टोटल वोल्टेज रिक्वायर्ड क्या है वोल्टेज रिक्वायर्ड इज ठीक? क्या है so, is less than आप ये less than है तो ये कि इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट अगर ये ओपन सर्किट होगा तो क्यू को सिक्स कोई करंट नहीं आएगी तो क्यू सिक्स विल बी ऑल्सो ऑफ ठीक है ये तो हुआ अगर हमने ए के करस्पॉन्डिंग देखा नाउ फॉर बी कर बी के करस्पॉन्डिंग सेम होगा अवेलेबल है इसे ऑन करना है तो इट शुड बी प्लस 1.2 एंड अवेलेबल इज लेस देन दैट्स Q4 विल बी ऑफ एंड विल बी ऑफ ठीक नाउ अब ये दोनों ऑफ है मीन्स कि ये हमारे ओपन स्विच है जब हमारे ये ओपन स्विच है ये पूरी की पूरी फाइव वोल्ट हमारी कहाँ अप्लाई होगी यहां पर और ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन अगर Q5 हमारा ऑन होगा तो इसका एमीटर किसे कंडक्ट करेगा डी वन को डी वन भी हमारा ऑन होगा और क्यू सिक्स वॉज ऑफ मीन्स की दिस इज डिसकनेक्टेड ओपन सर्किट तो टोटल तो जो वोल्टेज है वो हमें कहाँ मिल जाएगी यहाँ पर ठीक है मीन्स की क्यू फाइव विल बी ऑन डी वन विल बी ऑन एंड V नॉट विल बी हाई मीन्स की वन क्लियर है ये हुआ हमारा फर्स्ट केस अब हम देखते हैं हमारा सेकंड केस ये वाला केस देखते हैं A इज जीरो B इज वन ठीक है A जीरो है मीन्स की दिस दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड वायस ये फॉरवर्ड वायर्स होगा तो यहां पर बी पी वन विल बी इक्वल टू पॉइंट नाइन ठीक है नाउ इस केस में हमने क्या अप्लाई किया यहां वन और यहां अप्लाई किया वन और यहाँ तो हाई वोल्टेज आ ही रही थी तो ये जैसे ही हमने यहाँ वन अप्लाई किया एन टर्मिनल पे तो ये क्या होगा हमारा रिवर्स वायर्स ठीक है ये हमारा रिवर्स वायर्स होगा ये हमारा फॉरवर्ड वायर्स होगा इसका जंक्शन ठीक तो नाउ इन दिस केस ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो अप्लाई हुआ Q1 पर तो Q1 वन विल बी ऑन ठीक B पर वन अप्लाई किया तो Q2 टू विल बी ऑफ क्लियर नाउ दिस विल बी ऑफ ठीक नाउ ये ऑफ है ठीक ये अगर ऑफ है तो इस पॉइंट पे सफिशियंट वोल्टेज अवेलेबल है वो सफिशियंट वोल्टेज कहाँ से मिल रही हमें फ्रॉम VCC, सी सी मीन्स की एट दिस पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली हमें जो वोल्टेज मिलती है दैट इज हाई और सफिशियंट टू कंडक्ट Q4 फोर एंड क्यू सिक्स क्लियर है बिकॉज दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन वन पॉइंट टू वोल्ट क्लियर है तो नाउ अगर हम पहले बी वाले केस को देखें तो यहां सफिशियंट वोल्टेज है that's why Q4 क्या होगा? On होगा. अगर क्यू फोर ऑन होगा तो क्यू सिक्स भी ऑन होगा ठीक है नाउ अगर हम इसका केस देखें क्यू वन का यहां हमारी पॉइंट नाइन है यहां हमें चाहिए वन पॉइंट टू तो क्यू थ्री क्या होगा ऑफ होगा क्यू थ्री ऑफ होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू सिक्स ऑफ होगा बट क्यू सिक्स को ऑन किसने किया क्यू टू ने तो यह हमारा ऑन हो गया नाउ अब अगर हमारा क्यू सिक्स ऑन है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है पॉइंट टू एंड इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है पॉइंट सेवन मीन्स की एट दिस बेस बेस ऑफ क्यू फाइव एट दिस बेस मीनस की वी डी ई क्यू फाइव इज इक्वल टू पॉइंट नाइन वोल्ट बट फॉर कंडक्टिंग क्यू फाइव एंड डी वन हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड

अब हमारा D1 भी ऑफ हो गया Q5 भी ऑफ हो गया तो नाउ एट दिस पॉइंट हमें वोल्टेज क्या मिलेगी इसकी सेचुरेशन की मीन्स वी नॉट विल बी इक्वल टू वी सीचुरेशन विच इज इक्वल टू पॉइंट टू बोल्ट मीन्स लॉजिक जीरो हमें यहाँ क्या मिलेगा जीरो नाउ इन द सेम वे यहां पर भी होगा बस चेंजेस क्या होंगे अब हमारा Q1 की वैल्यू वन है सॉरी A की वैल्यू वन है मीन्स Q1 विल बी ऑफ Q2 ऑन होगा ठीक क्यू टू अगर ऑन होगा तो देखो आप क्यू वन ऑफ है तो इसके इसकी बेस इसके कलेक्टर से क्यू थ्री कनेक्टेड है मीन्स क्यू थ्री विल बी ऑन एंड क्यू थ्री अगर ऑन हुआ मीन्स कि क्यू थ्री या क्यू फोर में से अगर कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो क्यू सिक्स विल बी ऑन ठीक है तो क्यू थ्री ऑन हुआ तो क्यू सिक्स विल बी ऑन ठीक बट अब हमारा क्यू टू क्या था यहाँ पर ऑन था अगर क्यू टू ऑन था तो क्यू फोर क्या होगा ऑफ होगा ठीक है क्यू फोर ऑफ होगा क्लियर बट क्यू थ्री ऑन था That's why यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिलेगी पॉइंट सेवन प्लस टू क्लियर है बट हमें चाहिए कितनी क्यू फाइव एंड डी वन विल बी ऑफ ठीक अब क्यू सिक्स ऑन हो गया दैट्स बाई आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें जीरो ठीक नाउ अब हम केस देखते हैं वेन बोथ इनपुट आर इक्वल टू वन अगर दोनों ही इनपुट वन होंगे तो ये भी ऑफ होगा एंड

अगर क्यू सिक्स ऑन होगा तो क्यू फाइव एंड डी वन ऑन था मीन आउटपुट पर हमें 0 मिलेगी, क्या होती है ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार जीरो 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 प्लस जीरो का बार वन एंड जीरो प्लस वन वन और वन का बार मीन अपोजिट क्या होगा जीरो वन जीरो क्या मिलेगा जीरो वन वन क्या मिलेगा जीरो तो नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस टू इनपुट्स एंड दिस आउटपुट यू गेट दिस टेबल। मीन्स दिस इज द वर्किंग ऑफ टी टी एल नॉट गेट थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन